मध्य प्रदेश के बालाघाट में अब निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती के मूड में नजर आ रही है। बालाघाट कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही 23 स्कूलों को नोटिस जारी कर विशेष जांच दल बनाया है जो पूरे मामले की जांच करेगा। आपको बता दें कि इन प्राइवेट स्कूलों में फीस स्ट्रक्चर, ड्रेस कोड, जूते, पुस्तक प्रकाशन की गड़बड़ी पाई गई है। इसके अलावा कलेक्टर ने बच्चों के अभिभावकों से किसी भी तरह की कोई समस्या होने पर शिकायत करने की अपील कर मोबाइल नंबर जारी किया है। बालाघाट जिले में बीते कुछ सालों से निजी स्कूलों के द्वारा लगातार मनमानी की जा रही थी। प्राइवेट स्कूलों को चिन्हित किया था जिनको राज्य शासन के निर्देश के अनुक्रम में अपनी 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट, 3 साल का अपना फीस स्ट्रक्चर, साथ ही साथ जो स्कूल संचालन का खाता है उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए पोर्टल पर अपडेट करने के लिए हम लोगों ने समय दिया था। उसमें से जो 9 स्कूल पोर्टल पे ऐसे थे जो 10% से ज़्यादा जिनकी फीस वृद्धि रिफ्लेक्ट हो रही थी उनको सुनवाई का हम लोगों ने अवसर दिया था। उसमें से 4 स्कूलों पर हम लोगों ने अभी कार्रवाई की है। प्रारंभ